बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज व अमान में रखे। जितने बार आज हम पहुँचे हैं इस विलेज के अंदर एक अम्मा जी के पास, जो कि नहायत गरीब पुअर फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं, और जो कि हमारे साथ देख सकते हैं भाई जान बैठे हुए हैं। ये इन्हीं का बेटा है जिनकी उम्र तकरीबन 25 बरस होगी। तो अम्मा जी नहायत परेशान हैं क्योंकि भाई जान के पास व्हील चेयर नहीं है, तो अम्मा जी को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो अम्मा जी से पूछते हैं कि इस घर के अंदर इस भाई जान के साथ कैसे ज़िंदगी गुजार रही है, तो हमारे साथ रहिएगा। अम्मा जी अस्सलाम वालेकुम। अम्मा जी क्या हाल है? अम्मा जी आप ये बताएं कि माशाल्लाह से ये आपका बेटा है? जी आपका बेटा है। तो आपके कितने बेटे हैं और कितने बेटे हैं? चार बेटे हैं। चार बेटे हैं, चार बेटे हैं और एक बेटा है। बेटा यही है। तो माशाल्लाह से जो हमारी बहनें हैं वो शादीशुदा हैं। जी है, शादीशुदा हैं। तो आप ये बताएं कि ये भाई जान चल फिर भी नहीं सकते, तो आप इसे कैसे संभाल रहे हैं? आप घर में नहीं, आप इसको बाहर तो कर रहे हैं, आप इसको संभाल रहे हैं सारा कुछ, मतलब खुद ही इसे संभालते हैं? तो मतलब आपका शौहर जो है वो दिहाड़ी पर जाता है? जी जी। कितनी दिहाड़ी कर लेता है दिन में? मिल गई है, कर दी। जब दिहाड़ी मिलती है तो करता है? जी। घर का निजाम कैसे चल रहा है? राशन है घर में? कोई राशन नहीं है। कोई बीमार गुर्दा का मरीज है, दिल का मरीज है, सालस का मरीज है, क्या करूं, कि तो काम। अल्लाह पाक आसानियां फरमाए। अम्मा जी आप ये बताएं कि अब आपको कौन सी मुश्किलात दरपेश है भाई जान को, हम क्या दे सकते हैं, आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं? अच्छा मतलब रेडी आप बता रही हैं अपनी जबान में व्हील चेयर दी जाए, तो आप दुआएं करेंगे तो इंशाल्लाह भाई जान को ज़रूर व्हील चेयर दी जाएगी। तो भाई जान को सलाम करते हैं इनसे, ये बोल तो नहीं सकते लेकिन सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया, क्या हाल है? आपको व्हील चेयर दी जाए, खुश होंगे आप? दुआ करेंगे माशाल्लाह। अम्मा जी आप ये बताएं कि अगर आपको व्हील चेयर दी जाए तो आप कितनी दुआएं करेंगे? दुआ करनी है, क्या करूँ, मैं आप ही बीमार है, शुगर की मरीज हूं। आप भी शुगर की मरीज हैं? जी आप भी शुगर की मरीज हैं। अल्लाह पाक आसानियां फरमाए मेरे मां। तो आज भी बार आपने सुना होगा इस माँ जी का, जिन्होंने बताया है कि हमारे घर में बहुत ही मुश्किल हैं, भाई जान के लिए व्हील चेयर नहीं है। एवरी वन, अगर कोई बहन भाई इनके लिए व्हील चेयर डोनेट कर देना चाहें तो दे सकता है, क्योंकि ये नहायत पुअर फैमिली हैं। अल्लाह पाक इनके लिए आसानियाँ फरमाए। अगर आप साहिब इस्तेआत हैं तो इनकी ज़रूर मदद करें, क्योंकि ये हकदार फैमिली है। अल्लाह पाक हम सब को नेक काम करने की तौफीक अज़ीम अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सब को सीधे राह पर चलने की तौफीक अज़ीम अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।